देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर आयुर्वेद के उपयोग और उनसे होने वाले फायदों के बारे में बात करते रहते हैं। शायद यही वजह थी कि प्रधानमंत्री का पद संभालते ही उन्होंने आयुर्वेद के महत्व को समझते हुए 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय की स्थापना की थी। पीएम मोदी अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज देश जहां छोटी दिवाली मना रहा है, उन्होंने देशवासियों को आयुर्वेद का तोहफा देते हुए राजस्थान और गुजरात में 2 आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन किया है। हेल्थ पॉलिसी का प्रमुख हिस्सा बनाया है। आज हम स्वास्थ्य के अपने पारंपरिक खजाने को सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि देश के आरोग्य का बड़ा आधार बना रहे हैं। साथियों, ये हमेशा से एक स्थापित सत्य रहा है कि भारत के पास आरोग्य से जुड़ी कितनी बड़ी विरासत है, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि ये ज्ञान ज्यादातर किताबों में, शास्त्रों में रहा है और थोड़ा बहुत दादी नानी के नुस्खों में रहा है। इस ज्ञान को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार विकसित किया जाना ये बहुत आवश्यक है। इसलिए देश में अब पहली बार हमारे पुरातन चिकित्सा वाला ज्ञान जो है, उस ज्ञान विज्ञान को 21वीं सदी के आधुनिक विज्ञान से मिली जानकारी के साथ भी उसको जोड़ा जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है, नई रिसर्च की जा रही है। 3 साल पहले ही हमारे यहां अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना की गई है। लेह में सोवा रिगपा से जुड़ी रिसर्च और दूसरे अध्ययन के लिए राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान विकसित करने का काम जारी है। आज गुजरात और राजस्थान के जिन 2 संस्थानों को अपग्रेड किया गया है, वो भी इसी सिलसिले का विस्तार है। भाइयों और बहनों, कहते हैं जब कद बढ़ता है। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।